रामलाला प्राण प्रतिष्ठा परे पीएम को संबोधन कहिले ये आमर विजयर नुहे विनयर भी दिन गुलामी मानसिकतारु बर्ती भारत अर्जी नुआ कीर्ति गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। राष्ट्र चेतना जागृत करिबारे सहायक होइछि रामनीति। गर्भगृहरे रामलालांक प्राण प्रतिष्ठा विधि समापन परे मंदिर प्रांगण रे समवेत अतिथि ओ साधु संतंकु संबोधन करिथिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम कहिथिले आजिर दिन केवल कैलेंडर रे लेखा एक तारीख नुहे कालचक्रर सर्वकालीन स्याही रे लेखा जाइतिबा एक अभुला स्मृति। भारतीय संविधान रे प्रथम पृष्ठा रे भगवान श्री राम विराजमान करुछंती किंतु संविधान कार्यकारी हेबार बहु दशंधि पर जाए प्रभु श्रीरामंक अस्तित्व को नहीं आईन र लड़े चलला। प्रधानमंत्री कहिथिले मु न्यायपालिकार कृतज्ञता ज्ञापन करुछि जे न्यायर लाज रखिदेले। दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली। श्रीराम मंदिर निर्माण नुआ ऊर्जा को जन्म देछि। राम ऊर्जा अटंती, राम समाधान भी अटंती। राष्ट्र चेतना जागृत करिवारे सहायक होइछि रामनीति। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट चेतनार मंदिर, रामलालांक भव्य मंदिर आमको जोड़ी विकसित भारत को गति देछि। अगणित करसेवक साधु संतंक निकटरे ए देश चिर ऋणी बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। प्रधानमंत्री का सह प्राण प्रतिष्ठा विधि में शामिल होइतिबा आरएसएस मुख्य मोहन भागवत कहिथिले प्रधानमंत्री का तप जगु मंदिर निर्माण संभव हैला। एबे देशवासी को तप करिबाकु पड़ी। संत तुलसीदास रामचरित मानस रामराज्य जो वर्णना रही बुझाई थिले मोहन भागवत। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शतबार, सहस्त्रबार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे ही इस इतिहास का सामर्थ्य है।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସେହିଠାରେ ହିଁ ବନିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବନିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है, आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, महासचिव चंपत राय मध्य एही कार्यक्रम में सामिल होइथिले। ए अवसर में एक भव्य दिव्य सशक्त और विकसित भारत गठन पर संकल्प नेवाकू देशवासी को आह्वान देथिले प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जी रहे हैं इसे साक्षात घटित होते देख में। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।